गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन. लेट्स स्टार्ट अवर डे विद अ पॉजिटिव कोट. वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवन्स एंटायर डे. अगर हम किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका सारा दिन ही बहुत अच्छा बीतता है. जैसे आपकी मम्मा अगर सुबह सुबह आपके साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट करें, आपको शाबाश दे दें, तो आपका पूरा डे जो है वो फुल ऑफ एनर्जी होगा. आप बहुत ही अच्छे से काम करेंगे. सो काइंड वर्ड्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू बेटर. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन नंबर 3, मोर ऑन कीबोर्ड एंड माउस. टुडे वी विल डू पेज नंबर 22 ऑफ आवर कंप्यूटर बुक. इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट अल्फाबेट कीज एंड नंबर कीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज आवर प्रीवियस टॉपिक अल्फाबेट कीज. You can see alphabet keys on the screen. ये देखिए, ये हमारी alphabet keys हैं. Alphabet keys are used to type letters, words, sentences. Alphabet keys की help से हम letters type कर सकते हैं, words type कर सकते हैं और sentences भी type कर सकते हैं. There are 26 alphabet keys ऑन अ कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में 26 अल्फाबेट कीज होती हैं, ए से जेड तक. नेक्स्ट इज नंबर कीज. दीज कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स. देखिए, ग्रीन कलर में आपको ये नंबर कीज दिखाई दे रही हैं. दीज आर द नंबर कीज. ओके, सो दीज कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स. इनकी हेल्प से हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं. देयर आर 10 नंबर कीज ऑन अ कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में 10 नंबर कीज होती हैं, 0 to 9. देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज ऑन अ कीबोर्ड. और हमारे कीबोर्ड में नंबर कीज के 2 सेट्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. 1 सेट ऑफ नंबर की and this is other set of number keys. Today we will learn about special keys on the keyboard. First special key is enter key. See, this is enter key. We have 2 enter keys on a standard keyboard. Hamare keyboard mein 2 एंटर कीज होती हैं. फर्स्ट एंटर की इज विथ अल्फाबेट कीज. जो हमारी फर्स्ट एंटर की है, दिस वन, दिस इज विथ अल्फाबेट कीज. एंड सेकंड इज विथ नंबर कीज. जो हमारी सेकंड एंटर की है, ये नंबर कीज के साथ होती है. एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. एंटर की हेल्प से हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है. कर्सर क्या होता है? अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. मॉनिटर की स्क्रीन पर एक छोटी सी लाइन ब्लिंक करती है, उसको हम कर्सर बोलते हैं. इट इज आल्सो यूज्ड टू सेंड इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर. एंटर की के हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स भी सेंड करते हैं. जैसा कि जब आप व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करते हो, तो उसको भेजने के लिए आप जो आपका सेंड बटन है, आप उस पर क्लिक करते हो. तो इसी तरह से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को सेंड करने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज स्पेस बार की. सी,
दिस इज द स्पेस बार की। देखिए ये सबसे बड़ी की है हमारे कीबोर्ड में। सो द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज स्पेस बार की। वॉट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की? स्पेस बार की इज यूज्ड टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर्स वर्ड्स और नंबर्स। स्पेस बार की हेल्प से हम लेटर वर्ड्स नंबर्स कहीं पे भी स्पेस दे सकते हैं। जैसा कि ये मैंने टाइप किया हुआ है तो इसमें हर वर्ड के बीच में ये स्पेस गिवन है। देखिए दिस इज द स्पेस, इट इज गिवन बाय स्पेस बार की। इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, और ये हमारे कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। नेक्स्ट इज शिफ्ट की। शिफ्ट की देखिए बच्चे, दिस इज शिफ्ट की एंड वी हैव टू शिफ्ट कीज ऑन आवर कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में टू शिफ्ट कीज होती हैं। शिफ्ट की अपीयर्स ट्वाइस ऑन अ कीबोर्ड। सो शिफ्ट की इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। शिफ्ट की को हम अकेला यूज नहीं करते हैं, इसको हम दूसरी कीज के साथ यूज करते हैं। इसके साथ हम किसी दूसरी की का यूज करते हैं तभी हम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर हम शिफ्ट के साथ ए प्रेस करते हैं तो वी कैन टाइप कैपिटल ए। इट मींस शिफ्ट की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स व्हेन कैप्स लॉक इज ऑफ। वैसे तो कैप्स लॉक की हेल्प से हम कैपिटल लेटर्स टाइप करते हैं, बट जब हमारी कैप्स लॉक की ऑफ होती है तो हम शिफ्ट की के साथ अल्फाबेट को प्रेस करते हैं तो हमारा जो लेटर है वो कैपिटल आ जाता है। सेकेंड इज शिफ्ट प्लस टू। अब देखिए इस की में, इसके अपर पार्ट में जो लिखा हुआ है इसको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। जब हम शिफ्ट प्लस टू प्रेस करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर एट द रेट सिंबल टाइप हो जाएगा। सो कीज़ के अपर पार्ट में जो भी लिखा होता है उसको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट द शिफ्ट की इज यूज्ड टू। तो शिफ्ट की का यूज़ हम किस लिए करते हैं? नंबर वन, टाइप अल्फ़ाबेट इन कैपिटल इफ़ कैप्स लॉक की इज़ ऑफ। अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं जब हमारी कैप्स लॉक की ऑफ होती है। एंड सेकेंड इज टाइप सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स प्रिंटेड ऑन द अपर साइड ऑफ सम कीज ऑन अ कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में कुछ कीज़ के अपर पार्ट में भी कुछ टेक्स्ट, कुछ सिंबल्स, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह गिवन होते हैं तो उनको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल की। सी दिस इज कंट्रोल की। कंट्रोल की भी हमारे कीबोर्ड में टू होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सो वी हैव टू कंट्रोल कीज ऑन अ कीबोर्ड। लाइक शिफ्ट की, कंट्रोल की इज आल्सो यूज्ड विद अदर कीज। शिफ्ट की तरह ही हम कंट्रोल की को भी दूसरी कीज के साथ यूज करते हैं और इस अकेली की का कोई भी यूज नहीं है। इट इज यूज्ड टू गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर। कंट्रोल की के साथ दूसरी कीज को यूज करते हुए हम कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। सी हेयर वी प्रेस कंट्रोल ए। कंट्रोल और ए को जब हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा,
दैट मीन्स हमारी जो सिलेक्ट ऑल कमांड है दैट विल वर्क. नेक्स्ट इज बैक स्पेस की, दिस इज बैक स्पेस की. वी हैव वन बैक स्पेस की ऑन आवर कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में एक बैक स्पेस की होती है. देखिए अब बैक स्पेस की का यूज, हमने ये वर्ड टाइप किया है कंप्यूटर एंड द स्पेलिंग्स आर रॉन्ग. यहाँ पर जो ओ है दैट इज रॉन्ग. अब ये जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है दिस इज कर्सर. इस कर्सर ने क्या किया, हमारे इस वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड. ओके, अब बैक स्पेस की हेल्प से हम कर्सर की लेफ्ट साइड को डिलीट कर सकते हैं. क्लियर? सो बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. तो बैक स्पेस की हेल्प से हम टेक्स्ट जो है जो कर्सर की लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है उसको इरेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिलीट की. सी दिस इज डिलीट की एंड वी हैव टू डिलीट कीज इन आवर कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में टू डिलीट कीज होती हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, डिलीट की हेल्प से हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारा कर्सर कहाँ है, इस साइड पर पी के साथ. सो इट डिवाइडेड दिस वर्ड इन टू पार्ट्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. तो डिलीट की हेल्प से हम कर्सर की राइट साइड को डिलीट कर सकते हैं. सो डिलीट की इरेजेस एनीथिंग टाइप्ड टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर. कर्सर की राइट साइड पर जो भी लिखा है उसको इरेज करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं. लेट्स रीड स्पेशल कीज. एंटर की, प्रेसिंग द एंटर की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. दिस की इज ऑल्सो यूज्ड टू सेंड इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर. एंटर की हेल्प से हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं और हम कंप्यूटर को जो भी कमांड्स देते हैं उनको सेंड करने के लिए भी हम एंटर की का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज स्पेस बार की. इट इज यूज्ड टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर्स वर्ड्स और नंबर्स. लेटर्स वर्ड्स और नंबर्स के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सेंटेंस टाइप किया हुआ है तो हर वर्ड के बीच में स्पेस है. इट इज़ गिवन बाय स्पेस बार की. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड. और ये हमारे कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है. नेक्स्ट शिफ्ट की. दिस की इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज. शिफ्ट की को हम दूसरी कीज के साथ यूज करते हैं. इट अपीयर्स ट्वाइस ऑन अ कीबोर्ड. और हमारे कीबोर्ड में टू शिफ्ट कीज होती हैं. द शिफ्ट की इज यूज्ड टू. हम शिफ्ट की का यूज किस लिए करते हैं, ए टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल इफ कैप्स लॉक की इज ऑफ. कैप्स लॉक की जब ऑफ होती है तो कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं. बी टाइप सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स प्रिंटेड ऑन द अपर साइड ऑफ सम कीज ऑन अ कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में कुछ कीज़ के ऊपर कुछ वर्ड्स कोई सिंबल्स गिवन होते हैं तो जो वर्ड्स और सिंबल्स ऊपर दिए होते हैं उनको टाइप करने के लिए हम
शिफ्ट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल की। लाइक शिफ्ट की, कंट्रोल की इज ऑल्सो यूज्ड विद अदर कीज। शिफ्ट की तरह कंट्रोल की को भी हम दूसरी कीज के साथ यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए हम कंट्रोल की का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। दिस की इज यूज्ड टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर की लेफ्ट साइड पर अगर हमें कुछ इरेज करना है तो हम बैकस्पेस की हेल्प से इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीट की। इट इरेजेस एनीथिंग टाइप्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की हेल्प से हम कर्सर की राइट साइड पर लिखा हुआ टेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रैक्टिकल टाइम। टुडे वी विल टाइप अ लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग दीज डिफरेंट कीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। देखिए, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, दैट इज प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। ये देखिए टास्क बार है, इसके लेफ्ट कॉर्नर पर स्टार्ट बटन है। वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल एप्स बटन। दिस इज ऑल एप्स बटन, इसमें आपको सारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दिखाई देंगी। क्लिक ऑन ऑल एप्स बटन, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड वी विल फाइंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिकॉज वर्ड इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन अगेन स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, वर्ड विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ वी विल ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सो दैट यू कैन सी द टाइपिंग वर्क ऑल्सो। दिस इज अ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, दिस इज फॉर यू पीपल ओनली। नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट ताकि आप सबको विजिबल हो जाए। साइज भी कर लेते हैं फॉन्ट का। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट टाइपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टाइप इनपुट। इनपुट में हमें आई कैपिटल टाइप करना है, सो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिफ्ट की हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस आई एन देन पी यू टी इनपुट, देन स्पेस बार की, लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, डिवाइसेस डी, हम होल्ड डाउन करेंगे शिफ्ट की को, डी कैपिटल लिखेंगे, ई वी आई सी ई। Now we are going to next line, enter key, then M, hold down the shift and press M, O U S E, then press enter key to go to next line,
Next is keyboard. We will write keyboard. K capital, shift keyboard करेंगे. K E Y B O A R D कीबोर्ड. अब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे. प्रेस द एंटर की. नाउ राइट हियर स्कैनर. यहाँ पर हम स्कैनर टाइप करेंगे. एस कैपिटल होना चाहिए. होल्ड डाउन द शिफ्ट की. एस सी ए डबल एन ई आर स्कैनर. नाउ ब्रिंग योर कर्सर इन फ्रंट ऑफ एम. देखिए लाइन ब्लिंक कर रही है. दिस इज कर्सर. ड्रैग द माउस. दिस इज बुलेट बटन. चूज एनी बुलेट. कोई भी बुलेट हम चूज कर लेंगे. देखिए ये हमारी एक लिस्ट बन गई है इनपुट डिवाइसेस की. क्लियर. दिस इज अ लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस. योर एडवाइजरी वर्क इज रीड बुक पेज 22. थैंक यू. स्टे होम. स्टे सेफ.